हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लासी हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मटका कुल्फ़ी बनाई जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिए हैं मैंने 1/4 कप बादाम, 1/4 कप हमें काजू लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स का यूज़ आपको भर भर के करना है। 1 चम्मच करीब लेंगे हम यहाँ पर पिस्ता, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट ये ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। 15-20 मैंने यहाँ पर इलायची ले ली है। अब हम लेंगे थोड़ा सा सैफ्रॉन, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको हल्का हल्का गरम करना है, रोस्ट नहीं करना है इनको। तवे को आप अच्छे से गरम कर लीजिए, गरम हो जाएगा उसके बाद आपको गैस को ऑफ़ कर देना है। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑफ़ कर दिया है। अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को अपने तवे में डाल दूँगी। तवे के ऊपर डालने के बाद अब इसको अच्छे से चला दीजिए ताकि इनके जो अंदर की नमी है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि जब आप इसको पीसो तो आप इसके अंदर से ऑयल ना निकल पाए। तो गैस पे से मैंने अब इसे नीचे उतार दिया। थोड़ी देर तक हम इसे इसी तरीके से चला देंगे। उससे क्या होगा ना, आपका तवा गर्म है और आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपका मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाएगा उनका, और आपका फाइन पाउडर जो है बन जाएगा। तो अब हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे। तो उसके लिए मैंने थोड़े से काजू बादाम और थोड़ा सा पिस्ता साइड रख लिया है गार्निशिंग के लिए। इसको साइड करने के बाद आपका जितने भी काजू बादाम बचे हैं अब हम उनका फाइन पाउडर बनाएंगे। आपकी जो कुल्फ़ी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, इतनी अच्छी कुल्फ़ी बनेगी मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप जो है मिल्क पाउडर यूज़ किया है, 1/3 कप मैंने यहाँ शुगर यूज़ किया है यानी कि चीनी यूज़ की है। अब हम सबका मिक्स करके अच्छा सा एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तब देख सकते हो फाइन पाउडर जो है हमारा बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा पाउडर यहाँ बन चुका है। आपके जो बादाम है उन्होंने तेल नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से बहुत ही ड्राई ड्राई आपका ये जो पाउडर बन करके रेडी हुआ है। आप इसे स्टोर कर सकते हो काफ़ी लंबे टाइम के लिए। अब मैं यहाँ पे दूध गर्म करूँगी। तो दूध आप कितना भी ले सकते हो, जितना आपको कुल्फ़ी बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग दूध लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर के आसपास दूध ले लिया है। अब हम इसे अच्छे से गरम करेंगे। जब आपका दूध गरम हो जाएगा ना, तब हम इसमें हमारे मिल्क पाउडर को ऐड करेंगे। जितना भी ड्राई जो हमने कुल्फ़ी का पाउडर बना करके रेडी किया था उसको धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर देंगे। आपको धीरे धीरे ऐड करना है, एक साथ पूरा मत डालिएगा वरना वो इकट्ठा हो जाएगा, उसमें गांठे बन जाएंगे, उसमें लम्स पड़ जाएंगे और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो धीरे धीरे करके डालिए, उससे क्या होगा ना आपके लम्स नहीं बनेंगे और आपकी जो कुल्फ़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे, इसकी थिकनेस हमें दिखाएंगे। आप देखोगे कि धीरे धीरे करके जो है हल्का हल्का थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इसे चलाना बहुत अच्छे से है। तो अभी आप देखोगे हल्का हल्का दूध में जो है बॉयलिंग आना स्टार्ट हो चुका है। आपको इसे अच्छा गर्म करना है, यानी कि बहुत अच्छा गर्म करना है। जब आपको लगे कि इसमें बॉयलिंग अच्छी आ रही है तब गैस को ऑफ़ कर दीजिए और इसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। तो मैं गैस को ऑफ़ कर दूंगी, रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी। अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो अब आपको जिसमें निकालना है उसमें निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुल्हड़ों का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे छोटे छोटे मटके नहीं मिले थे तो मैंने कुल्हड़ में इसको जो है डाल दिया है। अच्छे से धो लिए हैं, वॉश कर लिए हैं अच्छे से, उसके बाद आपको इसे कुल्हड़ में डाल दीजिए। आपको जितनी मर्जी आइसक्रीम जमानी है आप जमा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी आपकी एक मटका कुल्फ़ी जमकियाँ रेडी हो जाएगी। आपको एज आ कुल्फ़ी जमानी है, एज आ इस तरीके से जमाना है, बहुत अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट साइड करे थे उसको छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। तो काजू हुआ, बादाम हुआ, आपका पिस्ता हुआ और थोड़ा सा केसर, सबके साथ आप इसको गार्निशिंग कीजिए। आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमने इसको गार्निशिंग कर लिया है। तो अब मैं इनको कवर करूँगी। कवर करेंगे हम एल्युमिनियम शीट के साथ, यानी कि जो फॉइल पेपर आता है उसके साथ। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नॉर्मल प्लास्टिक के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। कवर करने का रीज़न ये है कि इसमें आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। बहुत अच्छे से कवर कीजिए, इसमें आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे, और इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिजर में रख दीजिए सेट होने। अब जो बाकी का मेरा पेस्ट बचा है, यानी कि आइसक्रीम का जो मिक्सचर बचा है, मैंने उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, यानी कि मेरे पास एक स्टोरेज बॉक्स था, मैंने उसमें इसको डाल दिया है। अब हम अच्छे से इसको भी गार्निशिंग कर लेंगे विद ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, सब इसको भी गार्निशिंग कीजिए। आपने जो आइसक्रीम बनाई है या जो कुल्फ़ी बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। एक बार बनाओगे ना आपके घर में सब लोग बार बार मांगेंगे, इतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो अब हम इसे भी जो है एल्युमिनियम फॉइल पेपर के साथ में कवर कर लेंगे।
अब इसे अच्छे से कवर कर दीजिए, साथ में इसका लिड लगा दीजिए ताकि इसे अच्छे से स्टोर कर पाए। 8 घंटे के लिए उसे भी स्टोर करने रख देंगे। अब ये 8 घंटे हो चुके हैं, अब मैं आपको फॉइल पेपर हटा के दिखाती हूँ। अब देखिए हमारी जो कुल्फ़ी है कितनी ज़्यादा डिलीशियस बन करके रेडी हो चुकी है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी दोनों कुल्फियाँ बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसकी चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बन करके रेडी हुई है ये। इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं आया है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, जितना आप मार्केट से लेके आते हो ना उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे हमारी आइसक्रीम बन करके रेडी हो चुकी है। मटका कुल्फ़ी जो खाते हैं ना उसका तो मज़ा ही अलग होता है, ये तो आप सभी जानते हैं कितनी ज़्यादा ड्राई फ्रूट से बनी हुई होती है, कितनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए मैं आपको दूसरी आइसक्रीम भी यहाँ दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको भी निकाल दिया है, अब इसका शीट हटा देंगे, अब इसका एल्युमिनियम फॉइल पेपर भी हम हटा देंगे और आप देख सकते हैं हमारी जो कुल्फ़ी है या फिर हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन करके रेडी हो चुकी है। मार्केट से आप ख़रीद के लाओगे ना तो यही बॉक्स आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, यानी 120 से 200 रुपए तक के बीच का पड़ेगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वाली है तो महंगी तो आती ही है। अब हम इसे निकालेंगे एक बाउल के अंदर। अब बहुत ज़्यादा ईजिली देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा स्मूथली ये निकल करके बाहर आ रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से इसका जो राउंड शेप बन करके निकल के आए, कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम यहाँ पे बन करके आ चुकी है। तो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। साथ में रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइसक्रीम को गार्निशिंग कीजिए थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ, सर्व कीजिए अपनी फैमिली के आगे, अपने फ्रेंड्स के आगे, अपने रिलेटिव्स के आगे और वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। इतनी ज़्यादा डिलीशियस आप अगर आप आइसक्रीम बनाओगे तो आपकी जो फैमिली है, आपकी जो फ्रेंड्स है, वो आपके आसपास घूमते रहेंगे आइसक्रीम खाने के लिए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।